देखिए, आज ये पहली बैठक जो हुई थी वो तो सिर्फ एक परिचय मात्र के लिए हुई थी। अधिकारीगण और पार्षदगण इन आपस में इनका परिचय हो जाए, और अधिकारी है जो किस विभाग से संबंध रखते हैं, ये सब चीज़ें हुई हैं। और जो पार्षदगणों ने जो समस्याएं बताई है, खास तो बिजली की और सड़क की और गंदगी की, ये व्यवस्था बताया है, तो इसके लिए हम है ना जल्दी से जल्द इसका समाधान करने की कोशिश करेंगे और अपने कमिश्नर साहब से मिलकर और सारी बातें करके और फिर समस्या का समाधान करेंगे। पूर्ण वातावरण में नगर निगम अजमेर की ये पहली बैठक संपन्न हुई, एक परिचय बैठक थी। किस प्रकार से हमारे पार्षद बंधुओं की जो अपेक्षा है, जो जनता ने उनसे कुछ अपेक्षा रखी है, उनसे कुछ काम सोच रखे हैं, और अधिसंख्या जो पार्षद थे वो नवनिर्वाचित पहली बार चुन करके आए थे, तो उनका हमारे जो अधिकारी है उनसे इंट्रोडक्शन हो, उनसे परिचय हो, उनकी समस्याओं का की जानकारी वो अधिकारियों तक दे और अधिकारी उनकी बात को सुन के उनका एग्जीक्यूशन को कर पाए, क्योंकि पार्षद जो है वो जनसेवक है और जनता की आवाज़, जनता की समस्या को लेकर यहाँ तक पहुँचे और अधिकारी वो माध्यम बने कि उन समस्याओं का समाधान कर पाए। इसलिए आज हम पहली बार बैठे थे और बहुत अच्छे से चर्चा हुई। सफाई और लाइट की कुछ समस्या लगातार ध्यान में आ रही है, हम वार्डों में जा रहे हैं वहाँ भी ध्यान में आ रही है, चुनाव के समय गए तब भी ध्यान में आ रही थी। कहीं ना कहीं 2 साल से सरकार कांग्रेस की है और कहीं ना कहीं ये सारी बातें, प्रशासक बीच में 6 महीने रहा, तो प्रशासक रहने के कारण से जो कम्युनिकेशन जो बीच में आया, गैप आया है, उसको भरने का प्रयास हम करेंगे और इस व्यवस्थाओं को त्वरित गति से सुधारने का प्रयास करेंगे कि अगली बजट मीटिंग से पहले, अगर हमें लगता है कि बजट मीटिंग, क्योंकि सरकार के पास वो हमारा पेंडिंग है, चुनाव थे, चुनाव के कारण से बजट की मीटिंग नहीं हो पाई और सरकार के पास यहाँ प्रपोजल बनकर गया हुआ है कि बजट मीटिंग के लिए हमको समय दिया जाए, अगर वहाँ से स्वीकृति आती है तो जो भी बजट मीटिंग होगी उसके साथ में जो यहाँ की व्यवस्था है, क्योंकि पहले 60 वार्ड थे अब 80 वार्ड हो गए, तो 80 वार्ड की दृष्टि से सफाई व्यवस्था कैसे हो, डोर टू डोर किस प्रकार हो, लाइट की व्यवस्था कैसे हो, तो इन सब बातों को हम बजट में बजट मीटिंग के साथ में एजेंडा के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। राजस्थान में हम कोशिश करेंगे टॉप